नमस्कार, मैं वैद्य रमन रंजन आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो हम चर्चा के लिए प्रस्तुत हुए हैं उसमें आज का जो हमारा औषध द्रव्य है हरित की, जिसके बारे में, उसके गुण धर्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरित की के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह माता के समान, कहने का मतलब कि जिस प्रकार माता अपने शिशुओं का, अपने बच्चे की देखभाल करती हैं, उनके भरण पोषण आदि का ख्याल रखती हैं, उसी प्रकार से हरितकी के बारे में भी कहा गया है कि यह माता के समान है और यह शरीर का पोषण उसी प्रकार से करती है या उसी प्रकार से रोग को दूर करती है जिस प्रकार से माता अपने शिशुओं का देखभाल करती है। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्म, या कहें कि यह जो रोग नाशन की जो क्षमता है उसमें हरितकी में, उसको हम आज के डेट में ये कह सकते हैं कि यह स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयत शीघ्रम हरितकी, ऐसा हरितकी के बारे में कहा गया है कि यह स्मृति बुद्धि पर जो आवरण है उसको शीघ्र ही दूर करने वाला या प्रमोह को दूर करने वाला यह हरितकी होता है। अब इसको हम यह कैसे समझें कि हरितकी इन सब कार्य को कैसे करता है, तो इसको हम समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि हरितकी का कोई ऐसा ब्रेन पे कार्य नहीं है डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि जो मन का जो कार्य है उसमें बुद्धि, संकल्प, यह सब चीज, स्मृति, ये सब आते हैं, तो यह कैसे कार्य करता है? तो मन का जो नियंत्रण करने वाला होता है वह वायु होता है। ऐसा वायु कर्म में हम देखते भी हैं कि नियंता प्रणेता च मनसः, यानी मन का जो नियंता करने वाला है, नियंत्रित करने वाला है, वह वायु होता है। और वायु का जो स्थान है वो हम ऐसा हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर में वायु का स्थान है वो पक्वाशय होता है। और पक्वाशय को अगर हम सापेक्ष बना लें, यानी वायु को हम सापेक्ष बना लें, तो निश्चित रूप से वह जो मन को नियंत्रित करने वाला उसका जो कार्य है, या वो अपने नियंत्रण में मन को कार्य करवाएगा और जो भी बुद्धि, स्मृति, उसके जो कार्यक्षेत्र है, कार्य है, वह सापेक्ष रूप से होगा। तो इस प्रकार से हरितकी जो है वह पक्वाशय को सापेक्ष बनाकर, वायु को नियंत्रित करके वह मन के जो कार्य है उनको वह करता है, वह उसको दूर करता है। और हरितकी में एक बहुत बड़ा यह गुण होता है कि यह दोषा अनुलोमन करने वाला होता है, यानी कि अनुलोमन कहने का अर्थ यह है कि अपने स्व मार्गों से दोषों को निकालना, या उसको अपने स्व मार्ग से, अगर मल की बात करें तो मल का पाचन करके वह अपने स्व मार्ग से, जिस मार्ग से उसको निकलना है वो उसके लिए प्रेरित करता है, यह अनुलोमन का गुण होता है। तो हरितकी में यह दोषानुलोमन का बहुत बड़ा गुण है, और साथ ही साथ यह दीपन पाचन भी होता है। तो अगर वर्च की बात है कि अगर वर्च को निकालना है तो यह मल को पकाकर, यानी कि दीपन पाचन गुण होने के कारण मलों को, आम को पचाकर उसके बाद यह मल को बाहर निकालता है, और इस कारण से जो हरितकी में वो कहा गया है उसको सर्व रोग प्रशमनी और व्यवस्था, यानी वय को स्थापन करने में यह परम है, वय स्थापनम परम, ऐसा कहा गया है। यानी कि जिसको हम अभी ये में समझे कि एंटी एजिंग जिसको कहते हैं, वह कार्य जो है वह हरितकी कर सकता है। और हरितकी का सेवन हम किस प्रकार से रसायन के रूप में करें जिससे कि वह वय स्थापनम परम का जो इसका जो कार्य है वो उसका रिजल्ट हमें, हमारे शरीर को मिल सके या हमें प्राप्त हो सके, तो उसके लिए ऋतु हरितकी का वर्णन हमारे
ग्रंथों में मिलता है। और उस ऋतु हरित की में, यानी जो हमारे षड ऋतु हैं, छह ऋतुएं हैं, उसके अनुसार कौन से ऋतु में किस अनुपान के साथ हरिति का सेवन करना है, इसका उसमें उल्लेख है। अगर उस प्रकार से हम हरिति का सेवन करें तो यह हमारे लिए रसायन का कार्य करेगा। इसमें है कि सिंधु सरकड़ा सुंठी, कहने का मतलब अगर हम वर्षा ऋतु से शुरुआत करें तो वर्षा ऋतु में हरिति का सेवन सैंधव लवण, यानी सिंधु कहने का मतलब सैंधव लवण के साथ करना है। उसके बाद शरद ऋतु में सरकड़ा के साथ हरिति का सेवन करना है। और जब उसके बाद जो मौसम आता है वो है हेमंत ऋतु, तो हेमंत ऋतु में हमें जो हरिति का सेवन करना है वह सोंठ के साथ करना है, सोंठ। उसके बाद शिशिर ऋतु, उसमें हमें कना के साथ यानी पिपली के साथ करना है। और बसंत ऋतु में मधु के साथ मिलाकर अनुपान के रूप में हमें उसका सेवन करना है। और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, यानी यह जो मैंने अनुपान छः बताया, यह षड ऋतु में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ उसी हरिति का सेवन करना है। और इस प्रकार से हम अगर सालों भर वर्ष भर ऋतु अनुसार सेवन करते हैं तो यह हरित की रसायन के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हरित की और अन्य भी कोई भी अगर ड्रग की हम बात करें, औषध की बात करें, तो जो उसका गुण होता है वो प्रयोग विधि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम हरितकी के बारे में समझते हैं, तो हरितकी को जब हम चबाकर खाते हैं तो वह अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, यानी चर्विता वर्धत अग्नि, यानी चबाकर अगर हम खा रहे हैं तो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। पेशिता मल शोधनी, यानी जब हम उसको पीस कर खाते हैं, कल्क बनाकर या पेस्ट के रूप में खाते हैं, सेवन करते हैं, तो वह मल का शोधन करने वाला होता है। और सुन्ना संग्राहिनी, यानी जब उबाल कर खाते हैं तो उसमें संग्राही गुण उत्पन्न होता है या संग्राही कर्म करने वाला होता है। और पथ्या भिष्टा त्रिदोषनुता, अगर पथ्या यानी कि हरितकी को भूंज कर खाया जाए तो वह त्रिदोष को नाश करने वाला होता है, त्रिदोष को हरने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही औषध का सेवन प्रयोग विधि से उसका गुण और कर्म चेंज हो जाता है। तो इसका भी हमें सेवन करने के समय ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसी प्रकार से अनुपान के आधार पर भी उस ड्रग का, अभी यहाँ पर हमारा चर्चा का विषय हरितकी है तो उसके बारे में हम समझें कि अगर हमको किस दोष को हरना है तो उसका अनुपान अलग अलग के अनुसार उस दोष हरण की क्षमता एक ही ड्रग का अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर हम हरितकी को लवण के साथ लेते हैं तो वो क्या करेगा, कफ का हरण करेगा, लवणेन कफम हंती, यानी कफ का हरण करेगा। पित्तम हंती सशर्करा, यानी अगर पित्त दोष का हरण करना है तो हम उसको सरकड़ा के साथ लेंगे। और घृतेन वात जाना, और जब हरिति का सेवन घी के साथ करते हैं तो वह वात को हरने वाला होता है। और गुड़ के साथ लेते हैं तो वह सभी रोगों को हरने वाला होता है। तो इस प्रकार से अनुपान के आधार पर भी किसी भी औषध का उसका गुण कर्म परिवर्तित होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और हमें किस प्रकार का हरितकी सेवन करना चाहिए या कौन सा हरितकी श्रेष्ठ है, तो इसके बारे में कहा गया है कि जो हरितकी ठोस हो, गोल हो और पानी में डूबने पे, यानी कि पानी में उसको डालने पर वो डूब जाए तो वह हरितकी का वो प्रशस्त औषध है, यानी वह पक्व हरितकी है, ऐसा समझना चाहिए। और वैसा हरितकी का हमें सेवन करना चाहिए, या इसको हम कहें कि प्रशस्त हरितकी को जांचने का एक तरीका भी है जो हमारे ग्रंथों में उसका वर्णन भी मिलता है। हरितकी जो होता है वह पंच रस युक्त होता है, जो हमारे यहाँ सदरस की चर्चा आई है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उसमें सिर्फ लवण रस ही है जो हरितकी में नहीं है, बाकी सभी पांच रस जो हैं वो हरितकी में होते हैं। इनकी जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें ऐसा वर्णन भी है कि
मिंगी में मधुर रस की प्रधानता होती है, जो रेशा वाला पार्ट है वहाँ पे अम्ल रस की प्रधानता होती है, और ब्रिंत में तिक्त रस की प्रधानता होती है, और उसका जो छिलका होता है उसमें कटु रस की प्रधानता होती है, और उसका जो गुठली होता है उसमें कषाय रस होता है। तो इस प्रकार से हरितकी का जो पंचरस है वह एक ही हरितकी में 5 प्रकार के रस होते हैं। ऐसा बहुत कम ही ड्रग है जिसमें पंचरस होते हैं, और दुनिया में मात्र एक ऐसा ड्रग है जिसमें ड्रग है या कहे द्रव्य है या उसको जानतव द्रव्य है जिसमें षड्रस होता है, वो है काले हिरण का मांस, वो षड्रस युक्त होता है। बाकी कोई भी ऐसा द्रव्य संसार का नहीं है जिसमें एक साथ षड्रस हो। और पंचरस वाले ऐसे कई ड्रग है जिसमें हरितकी भी ऐसा है जिसमें 5 रस होता है, जिसमें सिर्फ लवण रस नहीं है। और अगर दोष कर्म की बात करें तो हरितकी जो होता है वह त्रिदोष को हरने वाला होता है, यानी यह तीनों दोष को समन करने वाला होता है। और पंचरस होते हुए भी इसका जो विपाक होता है वह मधुर विपाक होता है। तो इस प्रकार से हम हरितकी को देखते हैं कि इसके कई जो गुण कर्म है या कर्म है वह पंचरस होने के कारण, उसमें गुण होने के कारण और विपाक मधुर होने के कारण यह उसको एक अलग बनाता है। और सबसे बड़ा कर्म जो है दोषानुलोमन और लघु गुण होने के कारण यह, और इसमें दीपनीय पाचन भी गुण है, तो यह जो है व्यय स्थापनम परम है, यानी कि एंटी एजिंग जिसको कहते हैं उसको करने में यह श्रेष्ठ माना गया है, परम माना गया है। और यह बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, यानी बुद्धि और इंद्रियों को बल प्रदान करने में भी श्रेष्ठ होता है, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं बुद्धि हैं उनको मैक्सिमम जो हम कहें कार्य करना या उसमें जो बल प्रदान करना, ऐसा कार्य वो हरितकी करता है या करवाता है। और यह सर्व रोग प्रशमनी, इसके जो हम गुण कर्म देखते हैं उसमें हरितकी को सर्व रोग प्रशमनी कहा गया है, और यह कुष्ठ गुल्म उदावर्त का नाश करने वाला है। और उदावर्त का नाश करने के कारण हम ऐसा समझे कि हरितकी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स या कहें औषधि हो जाती है, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि दो चीज़ हमारे जो शरीर में रोग उत्पन्न करने में या उसको घोर व्याधि को उत्पन्न करने में जो कारक होते हैं वो अजीर्ण और उदावर्त होता है। तो उसमें उदावर्त के कारण हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है कि उदावर्त के कारण ही हृदय रोग की उत्पत्ति होती है, और उसका समूहतत्व जो है वो पकवासय है। तो ऐसा हम देखते हैं कि उदावर्त के कारण ही कई जो घोर व्याधि हैं जैसे हृदय रोग आदि की उत्पत्ति होती है। और इसका स्थान कहाँ है, क्योंकि पकवासय को अगर हम सापेक्ष बना दें, अगर अनुकूल कर दें, तो वहाँ से हम उदावर्त को दूर कर सकते हैं, वायु को नियंत्रित कर सकते हैं, और वायु को अगर हम नियंत्रित करते हैं तो उससे हम मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जो हृदय रोग है जो जिसकी उत्पत्ति उदावर्त के कारण होती है उसका समूहतत्व जो पकवासय है उसको हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से और कई रोग हैं जैसे अर्श है, ग्रहणी है, पुराना विषम जोड़ है, इन सब रोगों में भी हरितकी का अहम रोल है, उसका औषधीय महत्व है। साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि जो ग्रंथों में वर्णन है उसके अनुसार ऐसी कोई व्याधि नहीं है जिसमें हरितकी काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें दीपन पाचन गुण होने के साथ साथ यह उदावर्त को भी दूर करने वाला होता है। तो इस कारण से हरितकी का कई रोगों पे उसकी रोगग्नता है, कास है, प्रमेह है, अनाह है, प्लीहा की बीमारी है, उदर रोग है, वैवर्णता है, वैश्वर्य है, कामला है, कृमि रोग है, स्वेथु है, सोथ है, तमक श्वास है, छर्दी है,
कलबता है, अवसादन है, श्रोतोविबंध है, इन सब व्याधियों को दूर करने में हरितकी का एक औषधीय महत्व है। तो इसका हम अनुपान के साथ रोगी की क्या प्रकृति है और उसकी दोषों की क्या उल्बनता है, इसको ध्यान में रखते हुए हम हरितकी का सेवन रोगियों में करवाते हैं। निश्चित रूप से हमें कोई भी औषधि का सेवन करना है उसके पहले एक चिकित्सकीय सलाह लेने के बाद ही, ये वैद्यकीय सलाह लेने के बाद ही हमें उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार, अग्नि के बल के अनुसार, दोष की उल्बनता के अनुसार, अनुपान के अनुसार, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया कि उसकी प्रयोग विधि के अनुसार उसका गुण कर्म चेंज हो जाता है। तो प्रत्येक रोगियों में या प्रत्येक व्यक्ति में किस प्रकार से हमें औषधियों का सेवन करवाना है, यह हम व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन इसमें वैरी करता है। तो इसके अनुसार हम निश्चित रूप से वैद्यकीय सलाह या चिकित्सीय सलाह से ही किसी भी औषधि का सेवन करें, चाहे वो हरितकी ही क्यों ना हो, इसका हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना है। कुछ हरितकी के सेवन के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताए गए हैं कि अयोग्य रोगी भी बताए गए हैं कि कहाँ पर हरितकी का सेवन नहीं करना है, जैसे गर्भवती स्त्री, उसमें हरितकी का सेवन नहीं करना है। रास्ता से थके हुए कोई रोगी आए हैं या थका हुआ है तो उस समय हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। कोई उपवास में है तो वहाँ पर हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। रुक्षता ज़्यादा है शरीर में तो उस केस में हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। अधिक पित्त बढ़ा हुआ है तो वहाँ पर हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। रक्तमोक्षण जिसका हुआ है तुरंत, उस वैसे रोगी को हरितकी का सेवन नहीं करवाना है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है हरितकी का सेवन, उसको ध्यान में रखते हुए हम हरितकी का सेवन युक्तिपूर्वक पेशेंट को करवा सकते हैं, जिससे कि महत्तम फायदा मिल सके, उसका लाभ मिल सके। क्योंकि हरितकी के बारे में कहा भी गया है, हरितकी नाम से ही पता चलता है कि हरित मलाना, यानी यह मल को हरने वाला होता है। इस कारण से हरितकी जो है मल को हरने वाला है, यानी मल से ही रोगों की उत्पत्ति होती है, या रोग, कई रोग की उत्पत्ति मल के कारण ही होती है। तो हरितकी में नाम से ही पता चलता है कि यह मल को हरने वाला होता है। इसी कारण से हरितकी का इतना ज़्यादा औषधीय महत्व है। कई से जो औषधियाँ हैं, जैसे व्याघ्री हरितकी है, हरितकी चूर्ण है, और कई भी त्रिफला, सबसे कॉमन मेडिसिन त्रिफला, जिसमें हरितकी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और त्रिफला की जब चर्चा आई है तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि त्रिफला के बारे में कई कन्फ्यूज़न होता है। कभी कुछ लोग आकर पूछते हैं कि हरितकी में, त्रिफला में हरितकी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, या बहेरा की कितनी मात्रा होनी चाहिए, या आंवला की कितनी मात्रा होनी चाहिए। कुछ लोग आकर कहेंगे कि 1, 2, 4 के भाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि हरितकी में, त्रिफला में हरितकी, बहेरा और आंवला, तीनों का वॉल्यूमेट्रिक जो रेशियो है वो समान रूप से है। क्योंकि जहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है वहाँ पर संख्या के आधार पर कन्फ्यूज़न आता है, क्योंकि एक हरितकी जो है वो 2 बहेरा के बराबर होती है, और 1 बहेरा जो है वो 4 आंवले के बराबर होती है। तो अगर संख्या के आधार पर देखें, क्वांटिटी के आधार पर देखें, तो 1 हर्रे, 2 बहेरा और 4 आंवला, और वॉल्यूमेट्रिक देखें तो इसका जो वजन देखें तो 1 आंवला 2 हर्रे के बराबर और 4 आंवला के बराबर होती है। तो इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर हम क्वांटिटी के आधार पर लेते हैं तो वहाँ संख्या, लेकिन हमारा कोई भी जो गणना है आयुर्वेद में वो वॉल्यूमेट्रिक लिया हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर समान मात्रा ही हम समझेंगे। और एक जब हरितकी की चर्चा हो रही है तो यहाँ पर एक और जो थोड़ा सा लोगों में एक मन में प्रश्न रहता है कि कौन सा हर्रे हम सेवन करें, बाल हर्रे या जो बाल हरितकी जिसको कहते हैं, या कौन सा हरितकी, या वो कोई अलग वैरायटी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हरितकी टर्मिनेलिया चेबुला वही प्लांट है, उसी से जो हर्रे यानी जो बाल्यावस्था में जो ग्रहण किया जाता है वो बाल हरितकी कहलाता है, और बाकी जो पक्व हरितकी, जो फल पक होने के पूर्व जो हम ले लेते हैं, तो वह हरितकी के रूप में रहता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। हाँ,
बाल हरित की जब हम अनुलोमनार्थ सेवन करते हैं, किसी को अनुलोमन के लिए करवाते हैं, तो उस समय बाल हरित की का सेवन ज़्यादा श्रेष्ठकर इसलिए होता है क्योंकि जब हरित की का जब हम चूर्ण बनाते हैं, अगर उसमें बीज का भी मात्रा को अगर क्रस्ट करते हैं, चूर्ण के रूप में ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, चूर्ण में कषाय रस की मात्रा है, कषाय रस की उपलब्धता है और कषाय रस की प्रधानता है उसके बीज में। अगर वो कषाय रस की उपलब्धता ज़्यादा उसमें अगर चूर्ण में हो गई तो क्या होगा, वह अनुलोमन यानी कषाय का गुण होता है बद्ध करना, तो निश्चित रूप से वो उतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। तो उस केस में हम जो बाल हरित की है वो ज़्यादा श्रेष्ठकर उसको हम समझते हैं कि वहाँ पर अनुलोमनार्थ जब हमको करवाना हो, बच्चों अनुलोमन करवाना हो, तो बाल हरित की का सेवन करवाना चाहिए। तो यह कुछ जो औषधीय पौधे की श्रृंखला में आज जो हम चर्चा कर रहे थे वो हरित की था, जिसमें कि हमने कुछ हरित की के गुण के बारे में, कुछ कर्म के बारे में और कुछ जो मिथ और फैक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा किए कि हरित की को कैसे सेवन करना चाहिए। हम अगले वीडियो में फिर दूसरे औषधीय पौधे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।